जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान। जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार, ओम शांति। आप सबका हमारे इस शो जिंदगी बने आसान में स्वागत है। दोस्तों, समटाइम्स लाइफ इज़ वेरी सिंपल, लेकिन हम उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। कहीं बार चीज़ें बहुत आसानी से हो सकती हैं, लेकिन हम उसमें बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हैं। कई बार हम कुछ चीज़ें बहुत नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो आइए इन्हीं कुछ बातों पर आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अवधेश शर्मा जी। सर, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर। दर्शकों, कहीं बार हमने देखा है कि लाइफ में बहुत ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे हम ओवर रिएक्ट कर देते हैं। कई बार हम मैनेज नहीं कर पाते चीज़ों को, कई बार स्ट्रेस आ जाता है। तो आइए ऐसी ही एक सिचुएशन को हम इस वीडियो क्लिप के द्वारा देखते हैं। दोस्तों, हमारे घरों में दिन की शुरुआत अक्सर एक ही इमोशन के साथ होती है, और इस इमोशन से जुड़ा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बन गया है कि इसके बिना गुजारा हो ही नहीं सकता। शायद आप समझ रहे हैं कि मैं गुस्सा यानी एंगर की बात कर रहा हूँ। किसी ने मुझ पे गुस्सा किया तो मैंने किसी पर, और उसने किसी और पे किया। ऐसे ही ये गुस्से का साइकिल बनता चला जाता है। कोई काम नहीं बन रहा है या उम्मीद के बराबर कुछ नहीं हो पा रहा है। इस बात से कल आप थोड़े नाराज थे, आज आप थोड़ा ज्यादा परेशान हो गए, और कल तक ये गुस्से का रूप ले चुका होता है। हर काम, हर जगह, हर बात पे हमको गुस्से का सहारा लेना पड़ता है, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन दोस्तों, हम ये भी सुनते और पढ़ते आए हैं कि गुस्सा एक बीमारी बराबर है। गुस्सा मूर्खता की निशानी है। यहाँ तक कि गुस्से को यमराज भी बोला गया है। इसके साथ हमको ये भी पता है कि इसके हमारे मन और हमारे शरीर पर खतरनाक प्रभाव पड़ते हैं। सब पता होते हुए भी गुस्से की जरूरत क्यों? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हमारे काम भी हो जाएं, और वो भी पीसफुली? जी हाँ, हर सिचुएशन के दो पहलू होते हैं, या कहें कि दो उपाय जरूर होते हैं, और आज के एपिसोड में हम इसी टॉपिक से जुड़ी रोचक बातें जानेंगे। सर, हमने जैसे इस वीडियो के द्वारा देखा कि एंगर, हम कहते हैं कई बार कि मुझे गुस्सा आता नहीं है, मैं करना नहीं चाहता लेकिन हो जाता है, या हम कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं चला कि गुस्सा आ गया, मुझे पता ही नहीं चला मेरे मुंह से कब ये शब्द निकल गए। तो ये जो एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है जहाँ पे हमारा खुद का ही कंट्रोल फेल हो जाता है, ब्रेक्स हमारी फेल हो जाती हैं, तो इसके अंदर हाउ डज इट एक्चुअली यू नो इफेक्ट अस, और अदर आई शुड पुट इट दैट वे कि इसका रूट कॉज क्या है गुस्सा आने का इन अ ह्यूमन ब्रेन? कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहली बात कि एक वो एंगर है जिसे ज़्यादातर लोग एंगर समझते हैं, जहाँ पे कि हमने किसी से बहुत भद्दी भाषा में या बहुत तेज़ आवाज़ में बात की, या उसे नीचा दिखाने की कोशिश की, या फिर उसके कुछ फिजिकल रूप हो जाते हैं, राइट अप टू कि किसी का मर्डर हो गया। लेकिन एक दूसरे प्रकार की एंगर है जो हम महसूस करते हैं लेकिन अपने अंदर ही दबा देते हैं, उसको इंटरनलाइज्ड एंगर बोलते हैं। तो वो कष्ट तो हमें देती है, शायद वो जब इकट्ठी होती रहती है तो इकट्ठी एक तरह से विस्फोट के रूप में बाहर निकल के आती है, पर दोनों की दोनों ही खराब है। एंगर एक नेचुरल इमोशन नहीं है। कई लोग समझते हैं कि बाहर की स्थिति के हिसाब से एंग्री होना ज़रूरी था, ये तो ऑब्वियस है, ये तो नेचुरल है, सभी होंगे। एंगर इज एक्चुअली नेचुरल। कहीं कहीं लोग ये सोचते हैं कि एंगर इज अ वेरी नेचुरल इमोशन और गुस्से के बिना काम नहीं हो सकता। आई थिंक एक ये भी नोशन है कि बच्चा अगर ये नहीं करा तो गुस्सा करना तो जरूरी है, अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो परफॉर्म नहीं करेगा। एंगर जो है वो जब हम महसूस करते हैं तो वो हमें अंदर से
गड़बड़ा महसूस होता है, हमारी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मुंह सूख जाता है, हाथ कांपने से लग जाते हैं, हम पूरा तन जाते हैं, माइंड जो है वो क्लियरली सोच नहीं पाता, और हम किसी ना किसी रूप में उस सिचुएशन पे फिर से हावी होने की कोशिश करते हैं। एंगर एक तरीका है हमारा ये दिखाने का कि मैं इस चीज़ की कंट्रोल में हूँ, आप उस कंट्रोल में नहीं है। या कोई बाहरी सिचुएशन आती है जिसे हम डील नहीं कर पाते, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम इस तरह की इमोशन का, सो इट इज लाइक अ डिफेंस मैकेनिज्म व्हिच इट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म, समटाइम्स इट्स अ प्लान्ड मैकेनिज्म। ओके, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे गुस्सा आता नहीं है लेकिन मैं दिखाता हूँ, करना पड़ता है क्योंकि वो दिखाने से मेरा काम हो जाता है, जैसा आपने कहा, या बच्चों को करने से हो जाता है। ये ऑफिस स्पेस में भी कई बार ज्यादा देखा गया है, घर की स्पेस में भी देखा गया, कोई बाहर सोसाइटी में सिचुएशन है जहाँ पे कि रोड के ऊपर जब होता है तो उसे हम रोड रेज बोलते हैं, जब किसी व्यक्ति के ऊपर हमें बहुत देर से कोई चीज़ सही नहीं लग रही होती है तो हम एकदम भड़क के उसके साथ बात करते हैं, और किसी भी तरह के क्राइम में कुछ ना कुछ हद तक एंगर का एक बहुत बड़ा रोल है। सो फर्स्ट थिंग, एंगर एक सूदिंग प्लेजरेबल नॉर्मल इमोशन नहीं है, ये एक वो इमोशन है जो या तो हम जानबूझ के, लेकिन उस जानबूझ के भी अगर हम दिखाने की कोशिश करते हैं तो जो उसकी वजह से हमारे अंदर हो रहा होता है, जो डिस्टर्बेंस हो रही होती है, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे, चाहे हम महसूस कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, और वो सिर्फ उन 5 सेकेंड या 10 सेकेंड या 1 मिनट के लिए नहीं होते, वो चेंज इन इमोशंस टुवर्ड्स नेगेटिविटी कई घंटों तक लगातार चलता। तो सर इसी पे अगर हम बात करें, फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हमारी बॉडी में होते हैं, अगर हम एंगर को अपना लें एज अ संस्कार या एज अ वैल्यू, हर बार हम एंगर को अपने एक्शन में ला रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो डज इट हैपन कि बार बार इसी इमोशन को एक्सपीरियंस करने में हमारी बॉडी भी डैमेज होती है इमोशनली एंड इंटरनली? एब्सोल्युटली, क्योंकि ये जो है इसको हम एक सिंपथेटिक वे ऑफ रिएक्टिंग टू सिचुएशंस कहते हैं। अगर इंटरनल है, हमारी सोच चल रही है, तो कई बार एक्सटर्नल सिचुएशन नहीं है तब भी होगी, अगर एक्सटर्नल है और कोई चीज़ हुई है और हम उस प्रकार से उसमें रिएक्ट कर रहे हैं तब भी होगी, तो आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, पूरे के पूरे शरीर के जो मसल्स हैं वो तनने शुरू हो जाते हैं, ये तो एक्सटर्नली दिखता है, मुँह सूखता है, आँखें जो हैं वो बहुत डिस्टर्ब सी हो जाती हैं, आंखों की पुतली जो है वो बढ़ जाती है, और ख़ास तौर पे जो सिर के ऊपर का हिस्सा है जिसको हम टेंशन हेडेक भी कई बार कहते हैं, वो जैसे खिंच सा जाता है, इंटरनली एसिड प्रोडक्शन बढ़ती है, अच्छा, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और बार बार टॉयलेट जाने की इच्छा करती है। ये वो चेंजेस हैं जो एक बार आने के बाद, जैसे मैंने कहा, कुछ घंटों तक रहते हैं, और अगर जैसा आपने कहा कि कई बार ये लगातार चलते हैं, दिन में कई बार आते हैं, और आप आते हैं डील करते हैं, आते हैं डील करते हैं, तो थोड़े दिनों के बाद ये आपकी स्थिति स्वतः ही नेचुरल नहीं कहूँगा लेकिन एक रेगुलर स्थिति बननी शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे इसका बहुत बड़ा रोल है पेप्टिक अल्सर्स में, इसका रोल है ब्लड प्रेशर के बढ़ने में, इसका रोल है सडन हार्ट एपिसोड्स होने में, अच्छा, इसका रोल है बार बार टॉयलेट जाने में, या जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स कहते हैं, सडनली शुगर बढ़ती है और वो शुगर कई देर तक मेंटेन रहती है, तो अगर वो व्यक्ति जिसको कि डायबिटीज़ होने के चांस हैं, अगर वो इस तरह की नेगेटिव मन स्थिति में रहता है, वो चलती है, प्लस साइकोलॉजिकल रूप से एंग्जाइटी का महसूस होना, और अगर एंगर इंटरनलाइज्ड है तो डिप्रेशन, और इन चीज़ों को ठीक करने के लिए कई बार लोग कुछ तरह की ड्रग्स का या सब्सटेंस ऑफ एब्यूज का, तंबाकू का, कई बार लोग कहते हैं मुझे खाने से थोड़ा सा रिलैक्स होता है, मेरा जो गुस्सा है वो कम हो जाता है, तो वो उसके ऊपर भी आदि हो सकते हैं, या शाम को अगर पीते हैं या फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और तब पीते हैं तो अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाती है, उसकी एडिक्शन हो जाती है। ये फिजियोलॉजिकल चीज़ें हैं जो होंगी ही अगर व्यक्ति लगातार इस इमोशन का भागीदार है।
लेकिन ये है जो बाहर दिखी और जो थोड़ी थोड़ी अंदर दिखी आप उसे व्यक्त नहीं कर पाए, महसूस किया लेकिन एक्सटर्नल सिचुएशन ऐसी है कि आप दिखा नहीं पाए, बॉस के ऊपर गुस्सा आया दिखा नहीं पाए या किसी बड़े परिवार वाले तो मैनिफेस्ट कहीं ना कहीं अंदर तो मैनिफेस्ट होगी ही, तो वो चिड़चिड़ापन के रूप में आ जाती है। वो कई बार हम आंखें दिखाते हैं लेकिन बोलते नहीं है। या कोई हाथ उठाता है और ऐसे करता है और फिर अपने आप को रोक लेता है। तो ये कई तरह की ग्रेडेशंस हैं जो कि होती हैं, बट ऑफ कोर्स जब वो बाहर निकलती है एक्सप्लोसिव रूप में तो व्यक्ति की उसको कंट्रोल करने की क्षमता जो है वो समय के साथ साथ कम हो जाती है और वो बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। और सर अगर इसी के साथ हम देखें कॉज ऑफ एंगर, कॉजेज मेरे ख्याल से बहुत होंगे बट एक जो मेजर कॉज मुझे लगता है वो है कंट्रोलिंग द सिचुएशन। कई बार अगर सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं होती या ज़्यादातर गुस्सा का जो कारण है वो यही होता है कि उसने मेरे हिसाब से काम नहीं किया, वो मेरे हिसाब से चीज़ नहीं हुई, या फॉर एग्जांपल अगर मुझे फ़्लाइट पकड़नी थी और मैं लेट हो गई तो वो चीज़ मेरे हिसाब से नहीं हुई, आप मेरे हिसाब से टाइम पे नहीं आए। अगर हम ऑफिस का भी ले लें, जो बॉस है अगर उनके हिसाब से काम नहीं हुआ तो गुस्सा हो जाना, या अगर आपके भी सबऑर्डिनेट हैं आपके हिसाब से उन्होंने काम नहीं किया। सो आई थिंक कंट्रोलिंग द सिचुएशन एंड इफ इट इज़ नॉट गेटिंग कंट्रोल्ड बाय यू और इवन अ पर्सन, वी आल्सो ट्राई टू कंट्रोल द पीपल इन रिलेशनशिप्स दैट ये मेरे हिसाब से चले। सो हाउ डज दैट इफेक्ट इन बिल्डिंग अप एंगर एंड हाउ कैन वी एक्चुअली इम्प्रूव ऑन आवर सेल्फ ताकि हम कंट्रोल फ्रीक ना बने एंड एक्सेप्टेंस की तरफ ज़्यादा जाएं। देखिए कई बार जो गुस्सा है और जो आपने कहा कि किस प्रकार से शुरू होता है वो बचपन से शुरू हो सकता है, रोल मॉडलिंग से शुरू हो सकता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो जो गुस्सा कर रहा तो आपके मन में आता है एज अ चाइल्ड कि ये करना तो एक नॉर्मल बात है, सही बात है, होना चाहिए ऐसा। सर इसमें एक एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू शेयर। आई थिंक जब हम बच्चे होते हैं तो बच्चों में एक ये चीज़ सिखाई जाती है कि अगर हम गिर गए सपोज तो हमें ये सिखाया जाता है कि बेटा ये फ्लोर की गलती है, इसको थप्पड़ लगा दो। सो वो कहते हैं हम हप कर दो। सो आई थिंक तभी हमारी कंडीशनिंग दे दी जाती है कि जब बच्चा बड़ा हो रहा है कि देखो गलती फ्लोर की है तुम्हारी नहीं, तुम सही हो, एंड अगर तुम्हें उसको गुस्सा दिखाना यू हैव टू हिट इट। सो आई थिंक दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स कि हम हर स्टेप पे बच्चे को दिखा रहे हैं दैट यू आर द बेस्ट, यू आर राइट, द अदर पर्सन इज रॉन्ग। सो डज दैट ऑल्सो यू नो कई बार पेरेंट्स अपने बिहेवियर के द्वारा फिर बाद में स्कूल में टीचर्स उनके बिहेवियर के द्वारा जब भी कोई चीज़ उनके हिसाब से नहीं हो उन्होंने गुस्सा दिखाया बच्चे पर भी दिखाया, बच्चे की शायद गलती नहीं थी, बच्चे ने बिना जाने हुए कोई चीज़ की लेकिन वो उस तरह से नहीं थी जो पेरेंट चाहता था या टीचर चाहता था, तो उन्होंने गुस्से के रूप में उसको व्यक्त किया, तो बच्चा भी दिखता है कि मैं कैसे इसको जब मेरा मौका आएगा तो उसको व्यक्त करूं। तो वहाँ पे आप कई बार देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जब वो कोई चीज़ चाहते हैं, कोई टॉय चाहते हैं, तो वो रोना शुरू कर देते हैं या हाथ पैर पटकना शुरू कर देते हैं, और कई बार तो वो पब्लिकली ऐसा कर देते हैं जब तक उन्हें कोई चीज़ नहीं मिल जाती। तो अब उन्होंने एक ये समझ लिया कि गुस्सा दिखाया चीज़ मिल गई, सो सर्कल इज़ कम्प्लीट। तो उसी चीज़ को फिर वो धीरे 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 जैसे जैसे बड़े होते हैं और फिर वो समाज में भी देखते हैं, पढ़ते हैं, टीवी पे चीज़ें देखते हैं कि गुस्सा एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से आप अपने काम मनमानी से करवा सकते हो, और फिर वो एक माइंडसेट बनना शुरू हो जाता है जिसको कि वो अपनाना शुरू कर देता है उन सिचुएशन में जहाँ पे कि उसका जोर चलता तो वो उतना गुस्सा दिखाता है, जहाँ पे वो नहीं कर सकता और वो ट्राई करता है फिर वो वेट करता है कि अच्छा इसको किसी और तरीके से गुस्सा दिखाएं या उस व्यक्ति पे गुस्सा दिखाएं जहाँ से कि आपका काम बनना पॉसिबल है, तो वो फिर धीरे 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 जनरलाइज होना शुरू होता है, और वो जनरलाइज होने की वजह से आप वो व्यक्ति जिस पे अपना गुस्सा दिखा सकते हैं, जैसे कि रोड है, रोड में आप गाड़ी में हैं, कोई तेज जा रहा है आपको गुस्सा आया तो आपको मालूम है कि वो भी गाड़ी में आप भी गाड़ी में एक दूसरे के साथ कुछ नहीं हो सकता, तो आप वहाँ से शाउट करते हो, उसको कई तरह की बातें करते हो, एब्यूसिव लैंग्वेज शुरू हो जाती है, चाहे आपकी बात सही है कि वो डेंजरसली चला रहा है लेकिन उससे उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन आपने अपना गुस्सा व्यक्त किया। लेकिन मान लीजिए आपके पास है तो वो गाड़ी रोकता है, फिर आपस में झगड़े होते हैं जैसा कि हमने देखा। उसी तरह से परिवारों में फिर ये बातें आगे बढ़ती हैं। कई बच्चे हैं जो कि थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं और उस कारण से उनको अपने पे कंट्रोल नहीं रहता। उसको हम इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर बोलते हैं, जहाँ पे कि वो अपने गुस्से को किसी को कुछ कहकर या मारकर या चीज़ें तोड़कर व्यक्त करते हैं, पर ऐसी परसेंटेज बहुत कम है। कई बार लोग सोचते हैं कि जो लोग मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं वो ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ज़्यादा चीज़ें फोड़ते हैं या ज़्यादा एबनॉर्मल बिहेवियर होता है उनका। ये बात सच नहीं है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो जो सो कॉल्ड नॉर्मल लोग हैं वो ज़्यादा गुस्सा व्यक्त करते हैं कंपेयर टू दोज जो कि मेंटली किसी रूप से डिस्टर्ब्ड हैं। बट सर, अगर हम इस बात पे आए कि अगर हमें जो ये कंट्रोल वाला फैक्टर हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें सिचुएशंस को कंट्रोल में लाना इज़ यू नो बिकमिंग अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर पीपल, कि नहीं ये तो मेरे हिसाब से ही चलना है, हाउ कैन वी इम्प्रूव दैट? बिकॉज आई थिंक दैट इज़ अ वेरी मेजर कॉज ऑफ अर एंगर बिल्डिंग। जैसे आपने अभी बताया कि बचपन से ही हमारे अंदर ये चीज़ आ जाती है मेरे हिसाब से होना चाहिए, मुझे खिलौना नहीं मिला अब मैं गुस्सा दिखाऊंगा, हम रोने लग जाते हैं शुरू में ही। सो हाउ डू वी चेंज दिस कंडीशनिंग ऑफ द माइंड? वो आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में कई तरह की क्राइम्स का एक बहुत बड़ा कारण है। चाहे वो क्राइम्स ऑफ पैशन है, चाहे वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, रेप है, उसके बाद मर्डर हुआ, वो कहीं ना कहीं वो कंट्रोल जो कि वो नहीं कर पाते सिचुएशन को, उसको इस रूप में वो एक एक्सट्रीम सिचुएशन है। या जहाँ पे कि आपको लगता है कि हाँ आप दूसरे के ऊपर अपना रूप दिखा सकते हैं, तो जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जो आप हिटिंग द अदर पर्सन, अब्यूजिंग, इवन इन मैरिजेस आई हैव सीन दैट the male can lift his hand on the women to control her, and sometimes the women also hit the men ki I want to control him. So ye wala jo factor hai, how should we as adults work on it? Dekhiye pehli cheez, gusse se kuch der ke liye kuch logon se aap kaam kara sakte hain, lekin us kaam karane se pehle ek bahut badi price aap khud pay karte hain. Apne jo physiological changes hue, apna jo blood pressure bada, apna jo हार्ट रेट बढ़ा, उन सब के कारण। प्लस ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति भी आपके हर बात गुस्से की सहन कर ले, वो भी आपको हिट बैक कर सकता, वो भी आपको कुछ शब्द बोल सकता, और ऐसे में फिर बातें बहुत आगे तक चली जाती हैं। तो अगर सोल्यूशन ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं तो वो सोल्यूशन गुस्से में नहीं निकलता। अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपनी बात जो हमारे हिसाब से सही है उसको दूसरे तक रख सकें, तो वो तभी हो सकता है जब हम एक शांत वातावरण में कम्युनिकेट करते हैं कि मेरी ज़रूरतें क्या हैं, और शायद आप उसको उस प्रकार से नहीं कर रहे हैं। अगर सिर्फ कंट्रोल है और वो इसलिए है क्योंकि आप में कमी है कहीं ना कहीं, या आप महसूस करते हैं अपनी सेल्फ एस्टीम में या सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी, और उसको पूरा करने के लिए गुस्सा दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर फिर बात अलग हो जाती है। लेकिन वो भी बात ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। हो सकता है कि आपने अपनी बात तो मनवा ली लेकिन रिश्ता खत्म हो गया, जो कि आमतौर पे हम देखते हैं, चाहे मैरिजेस हो, लॉस ऑफ रिलेशनशिप्स, लॉस ऑफ रिलेशनशिप्स, एंड कई बार जैसे कि ऑफिस सिचुएशंस हैं उसमें बॉस ने अपनी बात तो शायद मनवा ली लेकिन अब वो सबॉर्डिनेट खुशी से उसके लिए काम नहीं करेगा, बोझिल मन से करेगा, एंड दैट इज़ नॉट द बेस्ट वे टू गेट डिलीवरी आउट ऑफ समबडी। और अगर रोड पे हैं तो मालूम नहीं है कि किस रूप में वो दूसरा व्यक्ति उसको निकाल के आए। या कई बार अगर हम गुस्से को कंट्रोल से बाहर होने देते हैं तो हम शायद कुछ ऐसी चीज़ कर दें जो कि हम करना नहीं चाहते। प्लस जब गुस्सा आ चुका है, वो इवेंट हो गया, आपने किसी को कुछ कह दिया, और फिर आप रिफ्लेक्ट करते हैं तो उसकी जो गिल्ट है या रिमोर्स है या दूसरे व्यक्ति पर जो असर हुआ जो आपको बाद में पता लगा, ख़ासतौर पर बच्चों पर अगर गुस्सा निकला और उसके ऊपर असर हुआ, जब आपको उसके बारे में पता लगता, तो कई बार लोग पूरी ज़िंदगी तक उन चीज़ों को भूल नहीं पाते हैं। ये जो एक फैक्टर है गिल्ट, रिग्रेट, ये वाले जो इमोशंस हैं, आई थिंक ये एक बहुत मेजर फैक्टर रहता है इन गवर्निंग दी हैप्पीनेस और रादर दी मेंटल स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्सन।
क्योंकि कई बार हम ऐसे शब्द बोल देते हैं या कई बार हम ऐसा रिएक्शन दे देते हैं जो कि हमें नहीं देना चाहिए. हमें बाद में आप जो कह रहे हैं रिफ्लेक्शन में समझ आता है कि शायद मैं इसको बेटर कर सकता था. और कई बार दूसरा इंसान उसको फॉरगेट नहीं करता, कई बार हमें वो फॉरगिवनेस वाली फीलिंग नहीं आती है एंड वी लूज ऑन रिलेशनशिप्स. उस स्टेप पे आए कि हम गिल्ट आ गया है या क्या, उससे पहले ही हम सिचुएशन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हाउ टू चेक आवर सेल्स कि हमें लग रहा है मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे कंट्रोल कैसे करना चाहिए. देखिए, ज़्यादातर लोगों के पैटर्न्स होते हैं गुस्से के भी जो वो बार बार रिपीट करते हैं, और कई बार वो कुछ खास लोगों के साथ ही रिपीट करते हैं. कुछ लोग हैं जो कि थेरेपी में जब हम बात होती है तो वो कहते हैं कि मैं वाइफ पे तो गुस्सा कर लेता हूँ लेकिन बॉस पे नहीं. सो द क्वेश्चन इज कि अगर आप बॉस पे रोक सकते हैं तो आप वाइफ पे भी रोक सकते हैं. बस यही है कि आप समझते हैं कि नहीं, वहाँ पे डेंजर ज्यादा है जॉब का और यहाँ पे यू हैव नथिंग टू लूज, ये काम चल जाएगा. बट टू रियलाइज कि आपका पैटर्न क्या है, किन लोगों पे और किन बातों पे आपको गुस्सा आता है. कई बार लोग ये कहते हैं कि जी मुझे कोई अगर सच नहीं बोलता तो बहुत बुरा लगता, मुझे बहुत गुस्सा आता, मैं गलत नहीं देख सकता अपने सामने होते हुए. हाँ, लेकिन कई बार जो हम कर रहे हैं वो उससे ज्यादा गलत होता है. आपने कुछ गलत नहीं देखा लेकिन आपने जो दूसरे को जिस हद तक हर्ट किया वो ऑब्वियसली उसके लिए आपके लिए भी ठीक नहीं है, रिश्ते के लिए भी ठीक नहीं है. सो फर्स्ट इज टू रियलाइज व्हाट योर पैटर्न इज, रियलाइज कि किन लोगों के ऊपर आमतौर पर ज्यादा गुस्सा आता, किस चीज पे आमतौर पर आपको ज्यादा गुस्सा आता है और उसमें आप क्या करते हैं. तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए वी हैव टू हैव अ प्रोएक्टिव प्लान. राइट, उसमें रिएक्टिव प्लान नहीं हो सकता कि गुस्सा आ गया उसके बाद में ब्रेकें मारो. हाँ, गुस्सा तो रिएक्शन है, आपने गाड़ी चढ़ा दी. यूजुअली देखा जाता है कि करीबन 6 सेकंड से 7 सेकंड का समय होता है जिसमें आप अपने आप को रोक सकते हैं. राइट, और अगर वो पीरियड निकल गया तो उसके बाद आप वही पैटर्न बार बार रिपीट करते हैं. सो यू हैव टू प्रोएक्टिवली थिंक कि जब मुझे अंदर से उस तरह की फीलिंग्स आनी शुरू होंगी, बॉडीली सेंसेशंस, या मैं अंदर से महसूस करूंगा कि अब मेरा मेंटल डिस्टरबेंस होने शुरू हो, अनइजीनेस हो रही है और मुझे लग रहा है कि मैं कंट्रोल खो दूंगा, तो वहां पे कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं, कुछ साइकोलॉजिकल तरीके हैं, कुछ स्पिरिचुअल तरीके. प्रैक्टिकल तरीका यह है कि अपने मुंह को बंद रखें. अगर मुंह आप वैसे बंद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख सकते तो कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि पानी पीजिए और पानी मुंह में रखें. दूसरा, आप वहां से हट सकते हैं. अगर आप फोन पे हैं तो फोन बंद कर सकते हैं या कह सकते हैं कि मुझे दूसरी कॉल आ रही है और मैं अभी बाद में बात करूंगा, तो वो जो पीरियड है वो निकल जाएगा. प्लस उस समय में प्रोएक्टिवली याद कर सकते हैं कि पिछली बार जब आपने गुस्सा किया तो उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए और आपके ऊपर उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, तो ये सोच के आप उस चीज़ को रिपीट होने से अपने आप को बचा सकते हैं. लेकिन आई थिंक ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको चलो मैनिफेस्ट अंदर नहीं कर रहे लेकिन जब हम उसे बाहर भी निकालें तो इट शुड नॉट कम आउट एज एन अग्रेसिव बिहेवियर, रादर इट शुड बी मोर ऑफ अ डिस्कशन. और रादर जो आप पहले हमने डिस्कस किया अबाउट सोल्यूशन, कि हम सोल्यूशन ढूंढें उस चीज़ को करने का जो हमारे हिसाब से नहीं हो पा रही या जो चीज़ हमें ट्रिगर कर रही है टू यू नो हैव एंगर, कि हम उसको कम्युनिकेट भी करें लेकिन अग्रेसिव बिहेवियर के साथ ना हो. वहीं पर जो साइकोलॉजिकल टेक्निक्स वो आनी शुरू हो जाती है. साइकोलॉजिकली एम्पथी, ये समझें कि जो दूसरा व्यक्ति है उस पर क्या गुजर रही होगी जब मैं ऐसा बिहेवियर करूँगा, दूसरा उसका करने का ऐसा क्या भाव था, क्यों वो जानबूझ के मुझे गुस्सा दिलाएगा और फिर मुझसे गालियाँ सुनेगा या मेरा गुस्से को सहेगा. तो ये समझना कि उसका समझना और मेरा समझना अलग है, विच मीन्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. एक ही चीज़ को अगर दो लोग अलग रूप से देख रहे हैं तो उनका देखने का नज़रिया अलग होगा. तीसरा, कि इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप, नॉट मेरा क्षणिक कंट्रोल होना. तो वो एक हायर पर्पस है जिसको मुझे बनाए रखना है. एंड लास्टली बट वेरी इम्पॉर्टेंटली, कि हर चीज़ जो आज बहुत बड़ी दिखती है वो कल आप मुड़ के देखेंगे तो बहुत छोटी होगी. तो इसीलिए ये ध्यान रखना कि अभी अगर मैंने एकदम एक्सप्लोर कर दिया तो फिर कुछ घंटे बाद देखूंगा लगेगा कि बहुत छोटी है, एंड देन आई विल गो थ्रू द सेम साइकिल.
तो अपने आप को मैंने कैसे बचाना है साइकोलॉजिकली, इस चीज़ को अगर हम ध्यान में रखते हैं. एंड स्पिरिचुअली आई थिंक मेडिटेटिंग ऑन योर सेल्फ एंड हैविंग रिफ्लेक्शन टाइम फॉर योर सेल्फ, और किस किस प्रकार से मेरा गुस्सा निकल रहा है या बढ़ रहा है, उस चीज़ को अगर हम रेगुलरली ध्यान रखेंगे तो बातें वहाँ तक पहुँचेंगी नहीं कि हम रिश्ते को खो बैठेंगे या अपने आप को हार्ट अटैक दे बैठेंगे. आई थिंक एंगर के ऊपर हमने काफ़ी अच्छी डिस्कशन करी. मेरे ख्याल से जो टेक अवे है वो बहुत इम्पोर्टेंट ये रह जाता है कि हमें ये देखना ज़रूरी है कि इट इज़ नॉट ओनली माई वे ऑफ द वर्किंग, हम कहते हैं माई वे और द हाई वे, इट हैज़ टू बी कि हम सारे इकट्ठे काम कर रहे हैं. हो सकता है आपका तरीका अलग है बट हमारा एम एक होना चाहिए. तो उस चीज़ को कंट्रोल करना, हर सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रख के चलना मे नॉट एक्चुअली हेल्प. थैंक यू सो मच, इट वॉज अ ग्रेट कन्वर्सेशन विद यू एज यूजुअल. थैंक यू वेरी मच. सो दर्शकों, आज हमने देखा कि गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता. कई बार हम बहुत ज़्यादा कर देते हैं और बाद में सोचते हैं हमने क्यों बोल दिया. तो आई होप आपको कुछ इससे टिप्स मिली हों कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम स्टॉप, चेक और रिफ्लेक्ट कर सकें, ताकि कोई ऐसी बात जो शायद छोटी हो, शायद 2 सेकंड की हो और सॉल्व हो जाए, हम उसको बहुत बढ़ा दें और बाद में पीछे मुड़ के जब देखें तो कोई ना कोई चीज़ हम खो दें. तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इसी शो पे जिसका नाम है ज़िंदगी बने आसान. ओम शांति.